हेलो दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन राहुल, जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बीआरएच गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीडर ही रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। राहुल की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में राहुल ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। इस पर राहुल को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने राहुल को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में राहुल को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर राहुल को पकड़ने को कहा। अब राहुल को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ डच लिया। साधु ने कुछ बतासा को चार जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने राहुल को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी, जब तक वह इसको खाकर चले न जा जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा, फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब राहुल ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां चार आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। राहुल तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। राहुल ने पीछे मुद्दा कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली। और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा।